नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। संडे है और ऐसे में हर किसी के लिए वीकेंड बहुत स्पेशल होता है, बहुत तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज की खबरें क्या है ये भी जानना है जरूरी। खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा में, पारादीप रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन, पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के रुयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दिव्यांश की आज आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जताई दुष्कर्म की आशंका, एसडीएम रिपोर्ट में स्कूल पर कार्रवाई की सिफारिश। महाराष्ट्र के पूर्व लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को ईडी का नोटिस, महाराष्ट्र सदन घोटाले में पूछताछ के लिए किया गया तलब। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की एंट्री पर सीएम फडणवीस लेंगे आखिरी फैसला, डीएम के साथ बैठक में सहमति, धर्म गुरुओं ने दिया परंपरा का हवाला। बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी की हालत नाजुक, सीने में इंफेक्शन के चलते लखनऊ के केजीएमयू में आईसीयू में भर्ती, 92 साल के हैं हाशिम अंसारी। साहित्यकार और गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा का खुलासा, मेरी मां मुझे पेट में ही मारना चाहती थी, वाराणसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के मौके पर किया खुलासा। जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का आज 2:30 बजे दिल्ली के लोधी रोड में होगा अंतिम संस्कार, कल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुआ था निधन। गजल सम्राट गुलाम अली का लखनऊ में कंसर्ट आज, शिवसेना के विरोध को देखते हुए अलर्ट, यूपी शिवसेना अध्यक्ष हाउस अरेस्ट।